This is my favorite toothpaste. I love it. It has my favorite taste, so I brush with it all the time. I don't brush with any other toothpaste. हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मोमकॉम इंडिया। इस क्लिप में जो आपने टूथपेस्ट देखा वो है लवलैप नेचुरल्स बेबी डेंट टूथपेस्ट, जो आप 1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और दूसरा है बबल फ्रूट फ्लेवर। तो मेरे 2 बच्चे हैं, दोनों ही बच्चे ब्रशिंग करते हैं। जो मेरी डॉटर है वो 1 साल से ऊपर है, उसके 6 दांत ऑलरेडी आ चुके हैं, तो उसके लिए भी मैं ब्रश यूज़ करती हूँ और यही दोनों टूथपेस्ट मैं दोनों के लिए यूज़ करती हूँ। एज अ पेरेंट मुझे ये टूथपेस्ट काफ़ी सेफ लगते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं फ्रॉम रिजल्ट स्टैंड पॉइंट। आपसे शेयर करती हूँ कि आज से कुछ साल पहले कबीर का ब्रशिंग से इंटरेस्ट काफ़ी हट गया था। जैसे बच्चों के साथ होता है, उनका कभी कभी मूड चेंज हो जाता है और जो एक्टिविटी वो करते आ रहे हैं वो सडनली उनको करना अच्छा नहीं लगता। एज अ रिजल्ट उसको दांतों की थोड़ी प्रॉब्लम भी स्टार्ट हो गई, जैसे येलो कलर हो जाना, कुछ दांतों में ब्राउन कलर आ जाना, दांतों में पेन होना शुरू हो जाना, जो उसको काफ़ी डिस्कम्फर्ट दे रहा था। तो मैंने काफ़ी रिसर्च करके एक ऐसा टूथपेस्ट ढूंढा जो मुझे लगा कि उसको अच्छा लगेगा, और जब मैंने अपनी रिसर्च करी तो मैंने इस टूथपेस्ट के बारे में बहुत अच्छे रिव्यूज़ पढ़े। इनफैक्ट काफ़ी पेरेंट्स ने बताया कि ये टूथपेस्ट यूज़ करने के बाद उन्होंने अपने बच्चों की जो टीथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उसमें काफ़ी डिफरेंस देखा, जो मुझे भी चाहिए था। जब मैंने ये फ्लेवर कबीर को इंट्रोड्यूस किया तो उसको ये फ्लेवर बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, एंड जब उसने इसको रेगुलरली यूज़ करना स्टार्ट किया, विच इज़ दिन में 2 बार, मॉर्निंग में एंड रात को सोने से पहले, तो धीरे धीरे जो रिजल्ट्स उसको देखने को मिले उससे उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बूस्ट हुआ। उसको काफ़ी प्रॉब्लम होती थी ये सुन के कि उसके दांत येलो हो रहे हैं या दांत पे कहीं कहीं पे ब्राउन कलर दिख रहा है, एंड ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे धीरे हटना शुरू हो गई। और अगर आप अभी कबीर से मिलेंगे और उसके दांत देखेंगे तो आप देखेंगे उसके शाइनी वाइट टीथ एकदम हो गए हैं। नाउ एज अ पेरेंट जब मैं टूथपेस्ट अपने बच्चे के लिए पिक करती हूँ तो मुझे कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। मैं रैंडमली जाके कोई भी टूथपेस्ट पिक नहीं कर सकती हूँ। सबसे पहली चीज़ होती है कि टूथपेस्ट का फॉर्मूला क्या है। सो ये जो टूथपेस्ट है ये 100% नेचुरल फार्मूला से बनाया गया है। ये SLS एंड फ्लोराइड फ्री है। सो टिल अबाउट अ सर्टेन एज आपको बच्चों के लिए फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट यूज़ करना पड़ता है और उसके बाद आप फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट पे मूव कर सकते हैं, बट जब तक बच्चों के बेबी टीथ रहते हैं आप फ्लोराइड फ्री टूथपेस्ट यूज़ कर सकते हैं। इस टूथपेस्ट के फॉर्मुलेशन में एलोवेरा का यूज़ किया गया है। सो एलोवेरा क्या करता है, दांतों को और गम्स को जाके ठंडक पहुंचाने का काम करता है, सूद करने का काम करता है। एंड क्योंकि बच्चों के साथ टीदिंग काफ़ी लंबे टाइम तक चलता रहता है एंड बच्चे काफ़ी कुछ खा रहे होते हैं जिसकी वजह से उनको दांतों में कैविटीज़ वगैरह की प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं, तो ये जो फॉर्मुलेशन है ये जाके आपके बच्चे के पूरे माउथ को काफ़ी सूद करता है और इसीलिए बच्चों को ठंडा ठंडा फील होता है और उन्हें ये टूथपेस्ट का रिजल्ट बहुत अच्छा लगता है। सेकेंड है सेफ। तो ये टूथपेस्ट 100% सेफ है। अगर बच्चे थोड़ा बहुत इंजेस्ट कर भी लें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि ये SLS और फ्लोराइड फ्री है। अब आप नोटिस करेंगे कि काफ़ी बच्चों को जब टूथपेस्ट यूज़ कर लेते हैं तो गागल करना या रिंसिंग करना नहीं आता है और बच्चे टूथपेस्ट को अंदर निगल लेते हैं, तो ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक सेफ टूथपेस्ट ही उनके लिए पिक करें। तीसरी चीज़ है एक्शन। क्या टूथपेस्ट जाके सिर्फ दांतों को क्लीन करेगा? नो, क्योंकि आपके बच्चे एक ऐसे स्टेज पे हैं जहाँ वो हर चीज़ खा रहे हैं और खाने की वजह से उनके दांत खराब होने के चांसेस हैं और बेबी टीथ खराब होने का आप रिस्क नहीं ले सकते, बिकॉज ये टीथ खराब हो गए तो ये डायरेक्टली लिंक हो गए आपके परमानेंट टीथ से जो भी आगे जाके खराब हो जाएंगे। तो इसीलिए आपको देखना है कि टूथपेस्ट एक्शन क्या करेगा। ये पर्टिकुलर टूथपेस्ट वो सब करता है जो आपको चाहिए, जैसे कि डिस्कलरेशन पे काम करना, ब्राउन कलर पे काम करना, प्लाक प्रोटेक्शन करना, बैक्टीरियल ग्रोथ को रोकना। तो ये सारी ही चीज़ें ये टूथपेस्ट करता है और आपके बच्चे को देता है कॉन्फिडेंस टू स्माइल विद दैट शाइनिंग वाइट टीथ। एंड लास्ट बात आती है अफोर्डेबिलिटी की। तो मुझे ये टूथपेस्ट काफ़ी अफोर्डेबल लगता है। ये 2 साइजेस में आता है, एक 100 ग्राम का साइज़ है जो मेरे पास है और एक है 50 ग्राम का साइज़ जो कि छोटा पैक है। तो अगर आपके बच्चे बहुत छोटे हैं, जैसे अगर नूर है, तो उसके लिए 50 ग्राम का साइज़ भी चल जाएगा, बिकॉज मुझे बहुत ज़्यादा उसके दांत है ही नहीं तो क्वान्टिटी बहुत कम लगती है। बट जैसे कबीर है, उसके प्रॉपर सारे दांत आए हुए हैं तो क्वान्टिटी थोड़ी ज़्यादा लगती है। दिन में 2 बार ब्रश करते हैं तो बड़ा साइज़ अच्छे से चल जाता है। इकोनॉमिकल है, वैल्यू फॉर मनी है। आपको इजीली ये अमेज़ॉन पे मिल भी जाएगा। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके लिए दे दूंगी, आप वहां जाके इसे देख लीजिएगा। सो गाइस ओवरऑल मैं आपको ये बोलूँगी कि ब्रशिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है एंड इट गोज़ अ लॉन्ग वे. दिस इज़ समथिंग जो आपको एक हैबिट अपने बच्चों में इम्बाइब करनी है ताकि वो सुबह भी करें और रात को भी करें और वो सारी डेंटल प्रॉब्लम से दूर रहें. इनफैक्ट जब बच्चे स्कूल स्टार्ट करते हैं और उनके डेंटल चेकअप स्टार्ट होते हैं और जब उन्हें डेंटिस्ट बोलते हैं कि आपके दांत बहुत अच्छे हैं तो बच्चों का जो क्लास के सामने कॉन्फिडेंस होता है वो अलग ही लेवल पे चला जाता है. इसीलिए आप सही हैबिट्स राइट टाइम से स्टार्ट कर दीजिए जिसमें एक अच्छा टूथब्रश यूज़ कीजिए और अच्छा टूथपेस्ट यूज़ कीजिए एंड यू विल डेफिनेटली सी गुड रिजल्ट्स विद योर किड्स. आई होप इस वीडियो ने आपकी मदद करी होगी. मैं भी एज अ मदर ऐसे वीडियोस के लुकआउट पे रहती हूँ जहाँ पेरेंट्स अपना ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करें जिससे हमें भी हेल्प हो सके, तो ऐसा सिमिलर वीडियो मैं आपके लिए भी क्रिएट करना चाहती थी. आई होप यू लाइक इट. लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. LuvLap Naturals बेबी डेंट टूथपेस्ट 1 साल से ऊपर के बच्चों के लिए बबल फ्रूट एंड स्ट्रॉबेरी फ्लेवर. थैंक यू गाइज. बाय बाय.